हेलो एवरीवन, सुबह के 10:30 हो गए हैं और इस टाइम पे बारिश वगैरह बंद हो गई है। सुबह काफ़ी ज़्यादा बारिश लगी हुई थी। अभी जो है इस साइड को थोड़ा दिख रहा है कि हाँ बारिश वगैरह लग सकती है, लेकिन अभी मेरे को जाना है अमृतसर, तो अच्छा है कि इस टाइम बारिश बंद हो गई है। अभी पापा मेरे को बस स्टैंड तक छोड़ाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम है अमृतसर में और एक दो दिन में मैं वापस आ जाऊँगा। बस मुझे मिल गई है और डायरेक्ट बस मिल गई यहाँ से। पहले सोचा था कि प्राइवेट बस मिलेगी तो होशियारपुर जाके चेंज करनी पड़ेगी, जलंधर जाके दोबारा से चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ से अमृतसर के लिए डायरेक्ट बस मिल गई HRTC की और इसी में पहुँच जाऊँगा अब अमृतसर। तो 234 रुपये लगे यहाँ से ऊना से अमृतसर की डायरेक्ट बस टिकट। बाकी रश ज़्यादा है नहीं है, तो सभी इंडिविजुअल बैठे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप ही मेनटेन हो रही है। अभी ना एक गाने सुनने का जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है बस में, वो और किसी चीज़ में नहीं आता। मतलब गाड़ी में बैठ जाओ आप, गाड़ी में जो सॉन्ग सुनते हैं वो फील ही नहीं आ पाती। तो बस में ट्रैवल करते होते हैं और वो हेडफोन लगा के आप गाने सुनो और कोई टेंशन नहीं होती, बस बाहर का व्यू इंजॉय करो, उसका एक अलग ही फील आती है। वही कर रहा हूँ और बड़े दिन बाद कर रहा हूँ। बस में शोर बहुत ज़्यादा था, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा था कि जो बस है वो होशियारपुर से निकल चुकी है बस स्टैंड से जलंधर की तरफ को, और मेरे को गर्मी लग रही थी क्योंकि मैंने फुल बाजू की टी शर्ट डाली हुई थी और पीछे तो बारिश थी, लेकिन यहाँ पे जो है मौसम साफ हो गया था और धूप वगैरह निकलनी शुरू हो गई थी, जिसके कारण गर्मी लग रही थी मेरे को काफ़ी ज़्यादा। फिलहाल मैं पहुँची हूँ जलंधर यहाँ बस स्टॉप पे, यहाँ 5 मिनट रुकनी है बस। और ह्यूमिडिटी बड़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे बादल वगैरह तो है, थोड़ी सी बूंदे भी अभी गिरी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। उस टाइम आपको सुनाई नहीं दिया होगा शायद, बस में फोन वगैरह काफ़ी ज़्यादा था, तो होशियारपुर से तब निकला तब तो बहुत तेज़ धूप लग रही थी। यहाँ 5-7 मिनट रुकेगी यहाँ पे, फिर यहाँ से निकल जाएगी और अमृतसर पहुँच जाएंगे जल्दी से हम। You can see your reflection in every distraction. They'll make your worries disappear. And it is overwhelming. There's something you can pretend. Feelings boxed up only. The fight is getting near as the sun goes down. Amritsar pahunch gaya hu main. और पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि लंच का टाइम निकल चुका है, खा के फिर चलेंगे वापस घर की तरफ को। अभी यहाँ अमृतसर में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और बाकी लंच का टाइम हो गया था तो यहाँ पे आया हूँ टिक्की खाने। जब भी आता हूँ अमृतसर यहाँ पे टिक्की ज़रूर खा के जाता हूँ इसी जगह पे, रेड लाइट जो है बस स्टैंड के पास, बस वहाँ से राइट लेके यहाँ पे साइड में है यहाँ पे ये टिक्की वाला, तो मस्त टिक्की बनती है इसकी, तो इसको एंजॉय करते हैं, इसके बाद ही घर जाऊँगा अभी। तो ये है वो टिक्की जिसकी मैं बात कर रहा था, कलर चेक करो यहाँ पे, क्या अच्छा टेक्स्चर है। मतलब अभी मेरे को यहाँ पे इसको हाथ में पकड़े खाना पड़ेगा, रखने की कोई जगह नहीं है, तो इसको खा के फिर ही बात करते हैं। ऑटो वगैरह करके यहाँ पे घर के पास पहुँच गया हूँ, पैदल चलाऊँ, बस पास में ही घर है। और फाइनली घर पहुँच गया हूँ मैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मतलब जंडियाले तक तो थोड़ा फिर भी बारिश वगैरह बीच में बादल वगैरह हो रहे थे, उसके बाद जो है बिल्कुल धूप और टिक्की वगैरह खा के जब गर्म खाई और उसके बाद पैदल चला, ऑटो पकड़ा, फिर से पैदल चल के आया, तो अभी और ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो फिलहाल के लिए तो थकावट काफ़ी है, इसलिए अब हाथ मुँह धो के मैं सो जाऊँगा या आराम करेंगे, सोएंगे नहीं भी तो उसके बाद देखते हैं क्या करना क्या नहीं। कुछ ऐसा मौसम है, शाम के 7 बज रहे हैं और जब मैं आया था कुछ 4:15 के बजे आसपास, 4:30 लगा लो, 4:30 बजे के आसपास मैं घर यहाँ पे पहुँच गया था, और थोड़ी देर बाद लाइट चली गई थी उसी टाइम, ठीक है 10-15 मिनट में, और तब से अभी तक लाइट नहीं आई है और गर्मी में हालत ख़राब है। पंजाब की सबसे बुरी चीज़ मेरे को ये लगती है, गर्मियाँ तो चलो होती हैं
गर्मियों में भी आदमी अगर पंखा वगैरह चलता रहे तो टाइम निकल जाता है, लेकिन अगर लाइट ही नहीं होगी, ये सरकारें लाइट ही नहीं देंगी तो हालत तो ख़राब होनी है गर्मी में। ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है मेरे को पंजाब की, कट बहुत ज़्यादा लगते हैं बिजली के। अभी कुछ पता नहीं कब आएगी लाइट, आएगी भी कि नहीं, और अच्छा लग रहा फंस गया मैं यहाँ पे आके, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक दो दिन है, काट लेंगे किसी तरह। आप मेरे को बताओ आप कहाँ से देख रहे हो ये वीडियो, और आप जहाँ से भी देख रहे हो वहाँ पे कट वगैरह लगते हैं गर्मियों में कि नहीं, कि पूरा टाइम लाइट आती है गर्मियों में और सुख शांति से आप जीतते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, मेरे को तो टाइम पास किसी तरह करना पड़ेगा, सब्सक्राइब नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।